और डालिंग एक बार नजर। जी हाँ, आपको बता दें जहां पर 15 करोड़ की लागत से 13 किलोमीटर की सड़क कार्य का निर्माण चल रहा है, वहीं ठेकेदारों की लापरवाही बड़ी सामने आई है। जहां पर सड़कों को खोदकर वहां पर गड्ढों में किड़कट भर दिया गया है, गिट्टी भर दी गई है, जिसके चलते आए दिन सड़क हादसे होते हैं और ग्रामीणों को, राहगीरों को करना पड़ता है भारी समस्याओं का सामना। बदरिया सांसद निधि से पास रठाजना से बड़िया स्थित मध्य प्रदेश बॉर्डर तक 15 करोड़ में 13 किलोमीटर का निर्माणधीन सड़क का कार्य चल रहा है। वहीं बरसात में मार्ग पर स्थित बड़ी पुलिया के कार्य कर रहे हैं। वहीं पुराने डामर रोड पर पूरी तरीके से खोदकर बड़ी बड़ी गिट्टी डाल दी गई है, जिससे आए दिन आने जाने वाले राहगीर गिर रहे हैं। भारी बारिश में पुलियाओं के कार्य करने से बाईपास भी खेतों के अंदर दे रखा है। थोड़ी सी बरसात में रास्ता बंद हो जाता है। वहीं बाईपास के संकेत मुख्य मार्ग पर नहीं लगाने से आए दिन हादसे होते नजर आ रहे हैं। दो दिन पूर्व भी एक बार कार पुलिया के अंदर उतर गई थी, जिसको रठाजना थाना के सिपाहियों द्वारा बड़ी मशक्कत से बाहर निकाला गया। नगर निगम रही कि गाड़ी में सवार किसी को चोटें नहीं आई।